इन दिनों फर्जीवाड़ों का बोलबाला है, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, दबंग बदमाशों के पौबारा हैं। तारामंडल स्थित एलआईसी भवन में काफी दिनों से जन रक्षा माइक्रो फाइनेंस कंपनी संचालित हो रही थी। अपने 200 एजेंट के माध्यम से उक्त कंपनी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से अधिक रुपए जमा करा के पिछले दिनों से ही फरार हो गए। एलआईसी के ही एक कर्मचारी अधिकारी के शय पर उक्त कंपनी संचालित की जा रही थी और बताया जाता है कि ग्राहकों को इस बात का एहसास कराया जाता था कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एलआईसी से ही करार है। कंपनी के हजारों चेक और बांड लेकर एजेंटों ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया और फरार कंपनी के जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले पर प्रदर्शन कर रहे गीता पांडे और रेणु श्रीवास्तव ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। और कम से कम ये अरविंद सिंह है जो मेन डायरेक्टर है जनरक्षा इंडिया के, और वो 10 करोड़ रुपया लेकर के यहाँ से गोरखपुर से फरार हो गए हैं। वो 2 तारीख में फरार हुए हैं और सारी जनता अपना अफरा तफरी मचा रखी है, क्योंकि क्षेत्रों से ले लिया करके पैसा सब लोग आरडी खोल रखे थे और ये भी बोलते थे कि आप लोग कंपनी से क्यों डर रही हैं, कंपनी आपकी चलेगी और एक एक पैसा आपकी कंपनी दे करके जाएगी। इसमें सगी का ठिकार, ठगी का शिकार सारे एजेंट हो गए हैं, सारे एजेंट आक्रोश में हैं। कुछ भी करने के लिए लोग तैयार हैं, यहाँ तक कि लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया है यहाँ पे, और यहाँ तक कि हम लोग ने 9 तारीख को अपनी एप्लीकेशन और एफआईआर सब एसएसपी को और डीएम को सब लोगों को हम लोग ने दिया, लेकिन अभी तक हम लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन हम लोग की कोई मदद नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि हम लोग जिन जनता का हम लोगों ने पैसा जमा कराया है, वो जनता भी हम लोग को आके घर पे प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग को जान माल की धमकी दे रहे हैं, हम लोग को जान माल की भी खतरा हो गया है। और यहाँ हम लोग को एलआईसी के नाम पे जो वहाँ के केशव अधिकारी हैं, माइक्रो फाइनेंस के केशव अधिकारी जी हैं, वही आते थे, वही हम लोग को ये बताते थे।